हेलो दोस्तों दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों मल्टीप्लाई गुणा की दोस्तों बेहद आसान ट्रिक देखेंगे, जिसमें आपके मल्टीप्लाई जो गुणा है दोस्तों वो एग्जाम में आपके बहुत कम समय में हल हो जाएंगे। दोस्तों साधारणतः जब हम हल करते हैं तो हमें साधारण गुणा में ज़्यादा टाइम लगता है, और दोस्तों इस ट्रिक से अगर आप हल करोगे तो आपको बेहद जल्दी दोस्तों कुछ ही सेकेंडों में आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 आता है। ये जो हम साधारण मेथड से करते हैं वो ट्रिक है दोस्तों। या फिर दोस्तों आपको पता है जैसे 25 का वर्ग कितना होता है, 625, तो आप साधारणतः लिख सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए आपको ये पता ना हो, जैसे 28 को 21 से मल्टीप्लाई करना हो या फिर 39 को 21 से मल्टीप्लाई करना हो, तो दोस्तों आप मल्टीप्लाई करके देखते हो तो उसमें आपका ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन दोस्तों मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको, अपनी ट्रिक उस हिसाब से अगर आप करोगे तो दोस्तों आपका बहुत कम समय में जो क्वेश्चन है हल हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, साधारणतः अगर हम 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 आते हैं, जो 25 का वर्ग है। अब दोस्तों देखिए, इसे हम अपने तरीके से हल करके दिखाते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने 25 25 वापस इसलिए लिया है क्योंकि दोस्तों इसका वर्ग आपको पता है कि इसका आंसर कितना आना है, 625। अब मैं अपने ट्रिक से आपको बताता हूँ। तो दोस्तों हमारी ट्रिक ये है कि सबसे पहले ये आप सूत्र याद रख लीजिए कि तीर का निशान यहाँ ऊपर है, फिर क्रॉस है, फिर वापस ऊपर है। इसका मतलब दोस्तों यह है कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर है तो, और फिर क्रॉस है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर वापस ये सीधा मल्टीप्लाई है। अब दोस्तों अपनी ट्रिक देखते हैं, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितने आते हैं दोस्तों, 25। आपको पता है 25 आते हैं, और 25 का दोस्तों जो दायां अंक है वो हमें यहाँ पे लिखना है, 25 का दायां अंक यहाँ पे लिखना है, और जो बायां अंक है उसको एक साइड में कर लीजिए मान ली। फिर वापस देखिए दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 10, 5 2 10, 10 और 10 कितने होते हैं, 20 20, और इस 2 को उसमें जोड़ दीजिए, 22। तो फिर दोस्तों फिर वापस दायां अंक लिखिए, और फिर वापस बायां अंक कितना बचा दोस्तों, 2 ही बचा। फिर दोस्तों इनको सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 4, 4 और 2 कितने होते हैं, 6, ये 6। तो देखिए दोस्तों ये वाला देखो आंसर समान है। ये हमारी आसान ट्रिक थी। अब देखिए दोस्तों कुछ उदाहरण हम अलग लेते हैं, क्योंकि ये उदाहरण तो आपको पता था। अब देखिए दोस्तों इधर देते हैं हम, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों, जैसे 28 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 31 से। अब दोस्तों साधारणतः आप इसको हल करोगे तो आपको इसमें ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन दोस्तों इस ट्रिक से हम हल करते हैं तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 का 8 ही आता है। फिर दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करना हमें, 8 3 24, और 2 1 2 1 1, 24 और 2 कितने होते हैं, 26। 26 का हमें दायां अंक इधर लिखना है और 2 इधर लिख देना है। फिर दोस्तों इधर से सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 6, 6 और 2 8, ये 8। देखिए दोस्तों कितना जल्दी आसान सा हल हो गया, लेकिन अगर हम इसको करते तो इसे हमें ज़्यादा समय लगता। तो ये तो थी दोस्तों 2 डिजिट वाली ट्रिक। अब हम देखते हैं दोस्तों 3 डिजिट की ट्रिक। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं ये साधारण उदाहरण ले रहा हूँ ताकि दोस्तों आपको इस ट्रिक से आसानी से कंपेयर कर सको। अब देखिए दोस्तों, साधारणतः हम इसे हल करते हैं तो पहले इसे 3 डिजिट को 2 से 2 से करते हैं, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर वापस इसको इससे, 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 इससे दोस्तों हमारा बहुत ज़्यादा समय खराब होता है, और दोस्तों इसमें समय भी ज़्यादा लगता है। लेकिन दोस्तों 3 डिजिट की ट्रिक यह है कि आपको पहले इसे एक तीर का निशान ऊपर, ये देखिए दोस्तों पहले एक तीर ऊपर, फिर 3 क्रॉस कर दो, आप 3 क्रॉस करना आपको, ऐसे 3 क्रॉस कर दिए, फिर वापस तीर का निशान ऊपर। अब जो दोस्तों बीच वाला तीर का बीच वाला क्रॉस है उसमें आप एक सीधा और कर दीजिए। अब दोस्तों ये बन गई 3 डिजिट की ट्रिक। अब इसमें क्या है, सबसे पहले दोस्तों ऊपर वाले को ऊपर से गुणा कर मल्टीप्लाई करना है, सीधा मल्टीप्लाई करना है, तो सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4। फिर क्या दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 4, 2 2 4, 4 और 4 कितने होते हैं दोस्तों, 8, ये 8 मैंने लिख दिए। इसके बाद में क्या है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस सीधा मल्टीप्लाई, मतलब इस 2 को इस 2 से, इस 2 को इस 2 से, और इस 2 को इस 2 से, तो 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4, 4 4 8, 4 3 12, 12 का दायां अंक इधर लिख दिया और 1 इधर लिख दिया हमने आगे। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों, ये क्रॉस, फिर वापस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 4, 4 4 8, और 8 1 कितना हो गया दोस्तों, 9,
ये लिख दिया मैंने 9। फिर क्या दोस्तों, देखिए सीधा मल्टीप्लाई मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4। तो देखिए दोस्तों कितना जल्दी आंसर आ गया। अगर दोस्तों आप इसको ऐसे लंबा करने बैठते तो बहुत ज़्यादा समय लगता। देखिए दोस्तों इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4 4 4। ये तो दोस्तों बेहद आसान सा है उदाहरण, इसलिए आप इसे जल्दी भी कर पाओगे इस ट्रिक से। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे अंक बदल दिए जाए तो दोस्तों आप सबको ट्रिक ये ज़्यादा समय लग जाएगा इस पुराने ट्रिक से करने में। तो देखिए दोस्तों हम पुराने तरीके से कैसे करते हैं इसको, फिर वापस दोस्तों 4 4 और 4, फिर वापस दोस्तों यहाँ पे 4 4 और 4, ऐसे करते थे दोस्तों आप पहले। तो 4 4 2 8, 4 3 12, हाँ सर लगा 1 4 9 और 4। अब देखिए दोस्तों इस ट्रिक से कितना आंसर आया, 49 284, और इस ट्रिक से देखिए दोस्तों हमारा आंसर 49 284 जल्दी ही आ गया। तो ये थी दोस्तों 3 डिजिट की ट्रिक। अब दोस्तों हम कुछ उदाहरण और भी लेते हैं, जैसे देखिए दोस्तों अगर ऐसे उदाहरण दिए गए हो तो दोस्तों आपसे नहीं हो सकेंगे। दोस्तों ये उदाहरण था, इसमें तो आप कर सकते हो मान लीजिए जल्दी, लेकिन ऐसे उदाहरण दे दिए तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो दोस्तों हम हमारी ट्रिक से करते हैं। हमारी ट्रिक में सबसे पहले क्या था कि सीधा ऊपर मल्टीप्लाई 2, फिर क्या था दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 और 3, 10 और 3 कितने होते दोस्तों 5 दूनी 10, 10 3 13, 13 का हमें दाया अंक लिखना है और 1 ऊपर लिख देना है, एक साइड में लिख लीजिए आप 1। फिर दोस्तों इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 5 को 1 से, 3 को 2 से, तो 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, 6 और 5 कितने होते दोस्तों 11, ये 11 होते हैं। और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 5 3 15, 15 और 11 कितने होते हैं दोस्तों 16 26, 26 होते हैं, कितने हो दोस्तों 26 26 1 27, 27 इधर 2 हमने लिख दिए साइड में। अब देखिए दोस्तों आगे मल्टीप्लाई क्या था, इसको इससे, इसको इससे, 5 25, 3 3 9, 25 9 कितने होते हैं दोस्तों 5 25, 25 और 9, 34 34 2, 36, 36 के इधर लगाए 3 हमने इधर लिख दिए, 5 3 15, 15 और 3 18। अब देखिए दोस्तों ये हो गया कहता आसान तरीके से। अब दोस्तों हम अपने पुराने मेथड से करते हैं इसको। देखिए दोस्तों जैसे आप पुराने तरीके से करते थे, 2 को पहले 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3 से किया, फिर 5 से किया, फिर नीचे फिर 5 को इससे किया, 5 2 जा 10, 0 लगाया आगे, 1 लगाया, 15 16 का 6 हासिल लगे, 1 5 25 1 26, ऐसे पुराने तरीके से दोस्तों आप ऐसे करते थे इतना लंबा, 3 2 6, 3 3 9, 5 3 15। अब इनको जोड़ते थे 2 3 6 12, 12 5 17 का 7 हासिल लगे, 1 16 1 6 7 8 1। अब देखिए दोस्तों ऐसे करते थे आप, इतने इसमें इतना समय लगता था। और देखिए दोस्तों दोनों के आंसर सेम है, सेम है, और इस ट्रिक से आप बेहद आसान तरीके से जल्दी कर सकते हो। दोस्तों 3 डिजिट की ट्रिक आपको याद रखनी है कि पहले आपको क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस सीधा मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर सीधा मल्टीप्लाई। ये दोस्तों ट्रिक है 3 डिजिट की। इससे दोस्तों आप कोई सा भी मल्टीप्लाई दोस्तों 2 डिजिट और 3 डिजिट वाला बेहद जल्दी कम समय में कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में हमें बहुत कम समय मिलता है। अगर आपके पास ये ट्रिक है तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।